1989 से आपने सिखाना शुरू किया, 2006 तक आप जॉब करते करते सिखाते थे और अपना अभ्यास भी करते थे, 17 साल तक आप ये करते रहे। और मैंने बहुत लोगों को देखा जो जॉब करते हैं और साथ में बोलते हैं इसके अलावा और क्या कर सकते हैं, कुछ पॉसिबल नहीं है, साधना कैसे करेंगे या कोई कोर्स कैसे ज्वाइन करेंगे, तो आप कैसे मैनेज करते थे? ये मैं इसलिए पूछ रहा हूँ जिससे जो लोग करना चाहते हैं लेकिन उनको लगता है कि नहीं जॉब के साथ नहीं कर सकते, उनको थोड़ा बल मिले। नहीं, आपकी इच्छा होगी तो आप ज़रूर कर सकते हैं, क्योंकि जैसे मैंने बताया कि 2 दिन तो छुट्टी होती थी और तभी ऑफिस जाने का या ऑफिस का कोई काम नहीं होता था, तो 2 दिन मैं आराम से दे सकता था। ये तो अवश्य है कि कुछ ना कुछ तो छोड़ना पड़ेगा ही ना, सब कुछ नहीं कर सकते। तो मैं 2 ही चीज़ें करता था, ब्रह्म विद्या का काम करता था, ब्रह्म विद्या की साधना करता था और जॉब करता था। बाकी लोग जो इधर उधर टाइम पास करते वो नहीं करता था। तो बेसिकली प्रायोरिटी बहुत इम्पॉर्टेंट है कि हाँ ये 2 चीज़ें या 3 चीज़ें सबसे इम्पॉर्टेंट है, तो इसमें मैं कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करूँगा, तभी आप तभी साधना हो कर सकता सकते है, जैसे आपकी रुचि बढ़ती है अपने आप हो जाता है, रुचि होगी तो प्रायोरिटी अपने आप हो जाती है। जी। अगर रुचि नहीं होगी और ज़बरदस्ती प्रायोरिटी करनी पड़े फिर तो मन में एक संघर्ष चलता रहेगा। और प्रायोरिटाइज तो करना ही पड़ता है, क्योंकि भगवान ने सबको टाइम तो उतना ही दिया है, जी तो भी आपको डिसाइड करना चाहिए कि क्या आप करना चाहते हैं। तो शुरू में थोड़ा बहुत अनुशासन करना पड़ेगा, मगर एक बार आपको उसमें रस आ जाएगा तो आप अपने आप समय देने के लिए तैयार हो जाएंगे।